हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणीता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रणीता ट्रैवल ब्लॉग में। आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं तालपुरा गांव, जो कि सीहोर जिले में स्थित है, और यहाँ पे है दो जुड़वा बौद्ध स्तूपा जो कि 2 से 2500 साल पुराने हैं। और इन जुड़वा बौद्ध स्तूपों के पास ही 20 मीटर की दूरी पर ये शैलाश्रय हैं, जहाँ पर 10 से 15 हज़ार साल पुराने शैल चित्र हैं और ये काफ़ी संख्या में हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तालपुरा गाँव सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बुधनी तहसील में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नियरेस्ट स्टेशन है बुधनी और बड़ी सिटी है नर्मदापुरम, क्योंकि बुधनी पे ज़्यादा ट्रेन्स नहीं रुकती तो आप नर्मदापुरम स्टेशन आइए। नर्मदापुरम का पहले नाम होशंगाबाद था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेशन आने के बाद आपको आना है बुधनी ओवरब्रिज और फिर उस ओवरब्रिज से आपको सलकनपुर वाली रोड लेनी है, जो कि स्टेट हाईवे 22 है। बुधनी ओवरब्रिज से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको वर्धमान फैब्रिक्स की फैक्ट्री मिलेगी और उन्हीं की रिहायश कॉलोनी है वर्धमान रेसिडेंशियल कॉलोनी, उसी से लगी हुई एक रोड है जो कि आपको तालपुरा तक लेके जाएगी। और मेन हाईवे से तालपुरा के लिए जो रोड जा रही है वो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। दरअसल यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही उलझा हुआ है और थोड़ा सा कठिन भी है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आप वहाँ तक पहुँचने में गड़बड़ कर सकते हैं। अभी तो रास्ता बिल्कुल सीधा दिख रहा है, लेकिन वहाँ तालपुरा और स्तूपा तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि वो घने जंगल के बीच से एरिया जाता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है वहाँ पर, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। और ये 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा जो ये छोटी सी झील है या तालाब कह लीजिए, यहाँ से वर्धमान फैक्ट्री को पानी सप्लाई मिलता है। चूँकि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा है बौद्ध स्तूपा और शैलाश्रय का, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपके लिए यही पॉइंट है जहाँ पे आपको रुक जाना है और अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ देनी है। क्योंकि इसके आगे अगर थार गाड़ी है तो वो तो जा सकती है, लेकिन नॉर्मल गाड़ी टू व्हीलर 4 व्हीलर नहीं जाएगी। और ये लगी हुई रोड भी आपको नहीं लेनी है, ऐसा महसूस होता है कि ये लगी हुई रोड ही रास्ता है, लेकिन हमें जाना है ये मैदानी भाग पकड़ कर, ये वाला, ये जो आपको पूरा खाली एरिया दिख रहा है इस पर आपको चढ़ना है, क्योंकि मेन से जाने पर वो वहाँ तक पहुँचता है या नहीं, और अगर पहुँचता भी है तो टाइम कितना लगता है, तो इसलिए आपको ये वाला रोड लेना है। तो बस हम गाड़ी छोड़ करके अब इस पे चलना शुरू करते हैं। यहाँ रास्ता थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है, लेकिन ये गांव वालों ने या स्थानीय प्रशासन ने, किसने भी इस तरीके के रास्ते पे ना चिन्ह बनाए हैं पत्थरों के, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके, ये बहुत पुरानी पद्धति है रास्ते को चिन्हित करने की। तो हमने यही पत्थरों की श्रृंखला को पकड़ करके आगे बढ़े हैं। हाँ, जंगल की खूबसूरती है यहाँ पे, और यहाँ पे जंगली जीव भी आ सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा 3-4 लोगों के ग्रुप में जाइए, और साथ ही यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी है, तो कोशिश करिए कि फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक में आप यहाँ विज़िट करें। इतना कुछ चलने के बाद हमें ये यहाँ पे पहला शिलालेख मिला है, जहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है और साथ ही आगे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन हैं, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे सूर्यास्त तक रहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और यहाँ पे थकावट हो जाती तो बैठने के लिए दोनों तरफ बेंच भी लगे हैं, लेकिन स्टिल अभी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे, अभी भी हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। तो बस अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अब यहाँ पे जब काफ़ी क्लोज आप आ जाएंगे उस जगह के, तो आपको ये ऐसे थोड़ी सी टूटी फूटी पुरानी सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो ये लीजिए पहला नज़ारा, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है। तो ये है फर्स्ट लुक, ये शैलाश्रय, और ये जगह बहुत ही एकांत में बसी हुई है, यहाँ पे लोग आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए आप थोड़ा सेफ्टी के साथ आएँ, 2-3-4 लोगों के ग्रुप में ही आएँ, दिन दिन में आएँ,
क्योंकि अंधेरा ढलने के बाद यहाँ खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ दिन में ही बहुत छिपकलियाँ थी, काफ़ी जीव जंतु हैं यहाँ पर, तो थोड़ा संभल के आपको रहना है। काफ़ी पीसफुल एरिया है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये शिकार के शैल चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे बारिश का पानी सीधे ना पड़ पाने की वजह से चित्र काफी सुरक्षित भी है। इसमें शिकार का चित्र है, इसके बाद में सामूहिक नृत्य गान का चित्र भी है, देख सकते हैं आप, बहुत चित्र हैं। लेकिन बहुत ही शांति भरी और बहुत ही एकांत में बसी ये जगह है। यहाँ आप आएंगे तो आपको दिन गुजारने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 20 मीटर ही आगे ये जुड़वा बौद्ध स्तूप हैं, तो सीढ़ियों से चढ़कर हम आए और इससे दोनों दाएं बाएं साइड कुछ ऐसा सा मिलेगा आपको, तो अपनी सुरक्षा का ख्याल आपको रखना ही है यहाँ पर। ये यहाँ पे दो बौद्ध स्तूप हमें मिले हैं। जिन लोगों को बौद्ध पद्धति का ज्ञान है वो जानते हैं कि ये बौद्ध स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ये जो लोग अर्हंत हो जाते थे उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया जाता था। तो यहाँ पे जुड़वा बौद्ध स्तूप हैं, जिनका अग्रभाग तो टूट फूट गया है, बट फिर भी ये इतने अवशेष अभी बचे हैं और ये बुद्ध धर्म के हिसाब से बहुत ही धार्मिक स्थली और पवित्र स्थली मानी जाती है। यहाँ पे आके भी आपको एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। ये देखिए हम उस तालाब से कितने ऊपर हैं, और ये वाला स्तूप काफी बड़ा भी है, इसमें सीढ़ियां भी बनी हुई है प्रदक्षिणा के लिए, और एक ये इकलौता पेड़ इसको छाह दे रहा है। जो भी टूट फूट हुई है उसके खंड ये थोड़े बहुत रखे हुए हैं, काफ़ी कुछ तो खैर गायब हो चुके हैं, लेकिन जो भी हैं ये यहाँ पे एक तरफ पड़े हुए हैं। काफ़ी शांत जगह है, और वैसे ये संरक्षित स्मारक है पर यहाँ पे संरक्षण दिया गया है ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता। ये दूसरा जुड़वा बौद्ध स्तूप है, ये दूसरा है, ये पहले वाले से थोड़ा छोटा है लेकिन ये भी फिर काफ़ी बड़े में बनाया गया, और इसमें भी प्रदक्षिणा पथ है। तो फिर कैसी लगी आपको ये छुपी हुई जगह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की? और बस अब वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।